अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद। अगर बात कर ले पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के वाले से, तो पाकिस्तान की जो है धरती, पाकिस्तान की सरजमीन जो है, इसमें टैलेंट की जो है वो बेपनाह जो है सलाहियत मौजूद है। और दिन ब दिन जो है पाकिस्तान में डिफरेंट जो है वो लेवल का टैलेंट सामने आता है, और पूरी दुनिया में उसका नाम जो है, पढ़ाई का मैदान हो, वो खेल का मैदान हो, वो किसी भी मैदान में हो, पाकिस्तान में जो है बेशुमार टैलेंट पाया जाता है। इसी सलाहियत से जो मबजूल जो बच्चे बच्चियाँ जो भी टैलेंट के तौर पर पाकिस्तान के सामने आते हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं। आज भी हम लाहौर में एक ऐसे मकाम पर मौजूद है जहाँ पर एक पाकिस्तान की जो है फ्यूचर के जो हम अगर कहेंगे सुपर स्टार, वो सामने आए। उनकी बहुत ही कम उम्र में जो है इतना नाम और इतना जो है मकाम हासिल किया है। हमारे साथ जो है आज इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे लियाकत गोहर, जो कि 6 साल नन्ना मुन्ना एक क्रिकेटर है जिसकी दिल के स्ट्रोक्स और जो है बल्लेबाजी की धूम पूरी दुनिया में मची, और ICC ने खसूसी तौर पे इस वीडियो को अपलोड किया और इस टैलेंट को अप्रिशिएट किया। और इसी तरह पाकिस्तान के जो है नामवर क्रिकेटर्स की जानब से इसको जो है सराहा जा रहा है, और सियासी मैदानों में जो है हलचल मची हुई है इस बच्चे को लेकर। काफ़ी ज़्यादा जो है वो सब लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल कंडीशन के हवाले से बात करूँ, तो ये वो ग्राउंड है जिसकी हालत के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। डेफिनेटली टैलेंट खुलकर सामने आता है, पाकिस्तान में जो है उसको प्रमोट भी किया जाता है, लेकिन जो सहूलियात के हैं, जो फुकदान हैं, जो मसाइल हैं, वो जो के तो हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे वो बच्चा सामने आया, मंजरेआम पर आया, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है टैलेंट सामने लेकर। लेकिन ग्राउंड की खस्ता हाली आप देख सकते हैं, कहीं पर भी बैलेंस नहीं है और सब जगह पर अप एंड डाउन है, और ग्राउंड के अंदर जो जो हालत है वो भी सामने नज़र आ रही है। लेकिन कोई जो है इकदाम हुकूमत की जानब से अभी तक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले ये वीडियो सामने आई थी जिसके बाद बच्चे की धूम पूरी दुनिया में, दुनिया क्रिकेट में मची थी, और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्टार यहाँ पे आए, बच्चे को विज़िट भी किया और उनको जो है अप्रिशिएट भी किया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक अगर काम जो करना था नहीं किया गया, वो ये था ग्राउंड की खस्ता हाली और सहूलियात, जो कि इसी तरह के जो मैदानों में प्रोवाइड किए जाए ताकि पाकिस्तान में मज़ीद खिलाड़ी जो है खुलकर टैलेंट सामने आ सके। आज हम आपकी उस बच्चे से मुलाकात भी करवाएंगे, उससे बातचीत भी करवाएंगे, और उसके पीछे कितनी मेहनत करना पड़ी, कितने कोचेस ने अहम करदार अदा किया, और क्या यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है, उस वाले से भी आपको गा करेंगे। यहाँ से ग्राउंड से मैं लाजमी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि क्रिकेटर भी रहे हैं खुद से भी, उनके के साथ भी अपील करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो है सहूलियात स्पोर्ट्स की, उसको बेहतर करें, ताकि ये जो टैलेंट सामने आ रहा है इसको बेहतर तौर पे प्रमोट कर किया जा सके, और इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। मैं लियाकत गोहर की जानब बढ़ूँगा, जिन्होंने इसी ग्राउंड से जो है अपना अभी जो स्टार्ट किया है, और इन फ्यूचर पाकिस्तान के जो है वो बाबर आजम, फ्यूचर के बाबर आजम के तौर पे उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं कितनी मेहनत करते हैं और कितना जो है नेट प्रैक्टिस करने के बाद जो है उनके प्लान, उनका एम और फ्यूचर की जो प्लानिंग क्या है, और इसके साथ साथ उनके कोचेस से भी बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कितना जो है पाकिस्तान में पोटेंशियल मौजूद है हमारे साथ। गोहर लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, और जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद इनकी जो है वो एक जो नाम पूरी दुनिया में गूंजा, आज उनसे बात करते हैं। गोहर, क्या हाल है, ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। सुनाओ, कैसा लगा जब पहले दिन एक वीडियो बनी और उसके बाद पूरी दुनिया में वो वीडियो गई और हर जो क्रिकेटर है उसने देखी और आपको बड़ा अप्रिशिएट किया, कितना मज़ा आया और कितना जो है वो खुश हुए थे? जी मैंने पिछले लॉकडाउन में क्रिकेट शुरू की और मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ, और जब मैंने खिलाड़ियों ने मुझे मैसेज भेजा, सरफराज अहमद ने मैसेज भेजा और वो अज़र अली ने मैसेज भेजा, और जो वो कीपिंग करते हैं उन्होंने भी मैसेज भेजा, और खुशी हुई बहुत के बड़े बड़े खिलाड़ी मुझे खुद मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा किस को देख के जो है वो क्रिकेट का शौक हुआ था और किस बैट्समैन को लाइक करते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हो? जी सबसे पहले तो मैं गेम में खेलता होता था, मेरी आंखें आइस बहुत ख़राब हो रही थी, तो एक दिन मामू ग्राउंड लेके गए, मामू खेलते थे मैच, एक दिन मामू मुझे ग्राउंड लेके गए, मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेलनी है, मैंने मोबाइल छोड़ दूँगा, तो पापा जी ने कहा अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो अपने मोबाइल को छोड़ना होगा, तो मैंने बाबा जी से कहा मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद मोबाइल को कभी भी नहीं यूज़ करूँगा। तो जो मैं मोहम्मद यूसुफ़ और बाबर आजम से को लाइक करता हूँ, और जो मोहम्मद यूसुफ़ है वो बॉल को पास आने देते थे,
और मेरी फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है, और जो क्या कहते हैं बाबर आजम की कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनको मैं लाइक बाबर आजम की तरह बनना चाहती हूँ। जी, बाबर आजम और मोहम्मद यूसुफ की तरह बनना चाहता हूँ, और उनसे भी बड़ा प्लेयर बनना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है। चलो अच्छा हो गया जी, हम भी ये चाहते हैं कि लाजमी तौर पर पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करो। बड़ा आपके पास टाइम भी है, अभी हमें ये बताओ कितना टाइम ये प्रैक्टिस करते हो, कितनी मेहनत करते हो, आपको कौन कौन जो है प्रैक्टिस करवाता है, सारी जो गेमिंग है वो कौन करवाता है? जी ये मैं कभी 3 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कभी मामू की मीटिंग आ जाती है 1 घंटे या 2 घंटे खेला जाता है, तो इसलिए मेरे कोच मोहम्मद खुर्शीद साहब मामू को बताते हैं कि इसको यहाँ पे बॉल करवानी है, यहाँ पे बॉल करवानी है, तो मामू उसी तरह बॉल करवाते हैं, तो जो मामू कहते हैं मैं उसी तरह करता हूँ, और मैं जो मेरी PSL में टीम है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ लाहौर कलंदर को। अच्छा। जो मैं लाहौर में रहता हूँ और बाबर आजम को भी लाइक करता हूँ, बाबर आजम पर कराची में है, तो मैं ये चाहता हूँ अगर बाबा कराची और लाहौर का मैच हो तो बाबर आजम रन करे पर लेकिन जीते लाहौर। हाँ ज़ाहर है लाहौर, ये जो हैं वो लाहौर को ही सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली, अगर बाबर आजम हमारे आइडियल प्लेयर भी हैं, लेकिन ये है कि लाहौर की जीत हमें फिर भी जो है वो लाजमी तौर पे चाहिए। अच्छा ये बताओ क्लब में जब प्रैक्टिस करते हो तो इतने छोटे बॉल से कोई डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता कि अगर चोट वगैरह तो नहीं? नहीं, क्रिकेट एक गेम है, इसको इंजॉय करना चाहिए, जैसे कि मोबाइल पर अगर कोई गेम खेल ली क्रिकेट या क्रिकेट गेम या ऐसे वो गेम होती है, सिर्फ एक बॉल लग जाए तो कोई बात नहीं, बॉल तो लगती ही रहती है क्योंकि मैच में भी आपको लगेगी। बिल्कुल सही। अच्छा तो आपकी एज का यहाँ पे आप अकेले ही हो या आपके अलावा भी कोई आपके अमेज हैं जिनके साथ मिलके खेलते हो, या मैच में क्या करते हो, फिर क्या प्लान? मैच में 2-3 खेला हूँ और उसमें हमारी जीत हुई है, एक कराची किंग से हमारी हार हुई है, और मैंने फील्डिंग की मैचों में पर बैटिंग नहीं आ सकी। ठीक है, चलो सही है। तो अभी अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान हैं वो आपको पता है पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप 92 का जो वर्ल्ड कप था वो भी जीता था, तो उनको क्या पैगाम दोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या उनके सामने जो है मुतालबा रखना चाहोगे कि मैं जो है पाकिस्तान का टीम में शामिल हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा बनूँ, किस तरह जो है वो मुझे वो हेल्प कर सकते हैं, किस तरह जो मेरी जो इस टीम तक पहुँचने के सफ़र को आसान बना सकते हैं, क्या कहोगे इमरान खान? इमरान खान को मैं ये मैसेज दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही मैच जिताया, बड़े फास्ट बॉलर होते थे, विकेट लेते थे, हैट्रिक भी करते थे, और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया हुआ है और चैंपियन ट्रॉफी भी जिताई हुआ है, तो आप वो बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर थे, और वसीम आज़म भी हैं पाकिस्तान के जी, अब सियासतदान भी बन गए हैं और वज़ीर आज़म हैं, और वसीम अकरम भी अच्छे बॉलर होते थे, तो वज़ीर आज़म को कुछ कहो ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या करें, क्या उनको पैगाम क्या देना चाहो? जी बस मैं खिलाड़ियों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप बस जो मैच है वो जीते। चलो ठीक हो गया, अब हम आपकी प्रैक्टिस भी देखेंगे और बाकी एक देखेंगे कैसी आप जो है गेम खेलते हैं वो भी दिखाएंगे आपको, और नाज़रीन इसके साथ साथ हम कुछ कोचेस से भी बात करते हैं ताकि कितनी जो है उन्होंने इस बच्चे को तैयार करने में, गौहर को तैयार करने में मेहनत की है। डेफिनेटली आपने बातें सुनी, बहुत ही कम उम्र ही है अभी और एज भी इस तरह की है कि बातें आप देख ही रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी नन्ही मुनी बातें हैं और ख्यालात का इजहार भी किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान अगर जो है इस मैनेजमेंट जो है तमाम तर बातों के ऊपर तवज्जो दे और इकदाम करे और पाकिस्तान के लिए इस तरह के जो है खुल कर टैलेंट वो भी सामने आ सकता है, कि इनके कोच से बात भी करेंगे और जानेंगे वो कितना इनके ऊपर जो है वो वक्फ कर रहे हैं, टाइम कितना लगा रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान की टीम के साथ जो सर्व करते हुए नज़र आएंगे। हाँ जी, तो इस वक्त हमारे साथ है इस क्लब के मुगलपुरा वाइट्स के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी और क्लब के ओनर भी मोहम्मद खुर्शीद साथ हमारे साथ मौजूद हैं, से भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा आप बताइएगा, सबसे पहले तो एक वीडियो, छोटी सी एक वीडियो वायरल होती है और उसमें गौहर लियाकत जो कि 6 साल का बच्चा है
वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, ICC भी उसको उठाती है और पाकिस्तान समेत जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर उसको जो है प्रमोट करते हैं। आप ही की क्लब का और आप ही का संभलने के बच्चा है, स्टूडेंट है, कितनी खुशी हुई थी बींग ए कोच, कितने एक्साइटेड हुए थे और कितना जो है वो देख रहे हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या है? हमने इसे शुरू से जब लिया तो हमने देखा कि ये इसमें टैलेंट है, तो ये टेनिस बॉल पहले खेल रहा था तो उसमें हमने देखा कि इसमें टैलेंट है, तो इसको हमने जब अपने मुगल प्रभाव वाइट्स में लाए तो इस पर बड़ी मेहनत की है और ये तकरीबन एक दिन में 60 से 70 ओवर खेलता है, ये यानी कि 2.5 घंटे खेलता है और फिर भी नहीं ये थक रहा। इसकी कोशिश होती है कि मैं और भी खेलूँ, तो ये जब मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम का नाम लेता है तो उन जैसा खेलने की भी कोशिश करता है, ये नहीं कि वैसे ही बस बना है, उन जैसे खेलने की भी कोशिश कर रहा है। और बाबर आजम को तो वो ये बॉल लाइक करता है और मोहम्मद यूसुफ को क्योंकि वो उसके स्टेप चलते हैं तो ये इसकी भी कोशिश कर रहे, ये भी कोशिश कर रहा होता है कि मेरे भी स्टेप चलें, तो इसलिए दोनों को बॉल लाइक करता है। तो ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये भी पाकिस्तान खेले, बाबर आजम जैसे बने, क्योंकि ये बाबर आजम और मोहम्मद यूसुफ की वीडियो भी देखता है तो कोशिश करता है, जो स्ट्रोक इसको नज़र आते हैं उस स्ट्रोक के ऊपर भरपूर कोशिश मेहनत करते हैं हम। अच्छा खुर्शीद साहब, इतनी कम उम्र में, 6 साल की उम्र है और आप समझते हैं कि आउट बॉल जो जाहिर है इसमें एक थोड़ा सा हिट होने का भी खदशा रहता है, बच्चा कितना रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करता है, ये आया इसके अलावा भी कोई बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं क्लब में तो जो कि इसके साथ जो है वो खेलते हैं कम्पटिशन? हाँ बच्चे खेलते हैं लेकिन ये सबसे कम उम्र का बच्चा है तो इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए तवज्जो दे रहे हैं कि ये इसमें पोटेंशियल है और ये जो बताएं इसको तो वो पिक करता है, बहुत जल्दी पिक करता है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और बच्चे भी हैं लेकिन ये कम उम्र का बच्चा है तो आपने भी देखा, हमने भी देखा ये सारे स्ट्रोक कैसे खेल रहा है, तो इसमें खुदादाद भी सलाहियत हैं इसमें। चले बिल्कुल सही हो गया, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए ये सारी चीज़ें सामने मंजर आम पर आई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ग्राउंड की हालत है, जो क्लब की हालत है, वो उसी तरह जो कि तू है, आया पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी क्रिकेटर हैं और क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता हुआ है उन्होंने और सारी चीज़ों को समझते भी हैं, क्या समझते हैं कि सहूलियात कितने जो है मसाइल कितने यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को, बच्चों को और क्लब को ख़ास तौर पे? ये तकरीबन हम तो ग्राउंड में 2006 से खेल रहे हैं, बहुत अच्छी ग्राउंड थी लेकिन बदकिस्मती हमारी भी कह सकते हैं कि हमने तो भरपूर कोशिश की और इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है लेकिन ये ग्राउंड अभी बन नहीं रहा, तो हमारी तो रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ताकि ये ग्राउंड अच्छी की जाए और ताकि ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो लियाकत गोहर जैसे बच्चे बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करें। जी तो गोहर लियाकत, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गोहर नायाब जो कि हमारे सामने एक आया है, जिसको ढूंढा गया, जिसको सर्च आउट किया गया, पूरी दुनिया में क्रिकेट में इसकी धूम मची है, उनके कोच हैं खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब क्या देखते हैं बच्चे के ऊपर, कितना जो है वो अब खान साहब को ख़ासतौर पर ये चाहूँगा, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर भी हैं, कितनी जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को जो बेहतर बनाने के लिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद भी हुई है लेकिन क्लब थोड़े से मुतासर हुए, कितना वर्क करना चाहिए ताकि इस तरह के जो बच्चे हैं मज़ीद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हो और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें? हमारी तो कोशिश है कि इमरान खान साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट कम से कम वो बहाल किए जाए ताकि छोटे छोटे बच्चे जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 की टीमें वो बनाते थे डिपार्टमेंट, उनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी और प्लेयर को भी बनने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। तो हमारी कोशिश है कि हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी ये बच्चे क्लबों को तो बहुत दुश्वारी होती है बनाने में लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे ढूंढ के गोहर लियाकत जैसे गोहरे नायाब बनाएँ, तो हमारी कोशिश है कि ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बच्चा खेलेगा हमारा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज हमने आपको विज़िट करा पाकिस्तान का ही एक ऐसा टैलेंट, पाकिस्तान का एक ऐसा सरमाया जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह सर्व करता हुआ भी नज़र आएगा, पाकिस्तान टीम के लिए खिदमात भी सर अंजाम देगा। गोहर लियाकत हमारे साथ मौजूद था, आज आपने उनका क्लब विज़िट कराया, इंशाल्लाह इसी तरह जो है दीगर जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में टैलेंट की गूंज होगी और हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी और आपको जो है वहाँ पर विज़िट कराएगी। वह आज हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद।